खंडवा में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का जोरदार ढंग से विरोध हुआ, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को बल प्रयोग तक करना पड़ा, लेकिन इसके बाद स्थितियां और बिगड़ी, लिहाजा शहर में कर्फ्यू ही लगा दिया गया। खैर, आज बात इस मुद्दे से इतर छत्तीसगढ़ में निकाय के घमासान और मध्य प्रदेश में युवाओं से जुड़े बड़े मुद्दे की होगी। पहले रूप छत्तीसगढ़ का करते हैं, क्योंकि यहां नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है और अब इंतजार 21 दिसंबर को होने वाले मतदान के साथ 24 दिसंबर को आने वाले नतीजों का है। निकाय चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि कई सीटों पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के आम आदमी पार्टी और निर्दलीय दोनों राष्ट्रीय दलों पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। इधर चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी अपने घोषणा पत्र को लेकर ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आपको याद दिला दें कि बीते साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में उसके घोषणा पत्र की अहम भूमिका रही थी। हालांकि अब एक बार फिर उसे जीत ही मिले, इस पर थोड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी ने भी इस बार अपने संकल्प पत्र को दमदार ढंग से तैयार किया है। हालांकि ये जनता को प्रभावित करता है या नहीं, इस पर आज विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा बात मध्य प्रदेश में उस विरोध प्रदर्शन की भी होगी जो युवाओं के नाम पर हो रहा है। दरअसल कमलनाथ सरकार ने वचन दिया था कि वो रोजगार देने के साथ ही बेरोजगार को भत्ते के रूप में 4,000 रूपये प्रतिमाह देगी, जो शायद अब तक किसी को नहीं मिला है। निश्चित रूप से इसकी वजह खाली खजाना है, लेकिन वचन तो वचन है और उसे किसी भी तरह सरकार को पूरा करना ही होगा, नहीं तो आगे भी विपक्ष इसके इसी तरह का मुद्दा बनाकर विरोध करती रहेगी। खैर, अब इस मुश्किल परिस्थिति से कांग्रेस की सरकार कैसे बाहर निकलेगी और सरकार के अधूरे वचन क्या बीजेपी को राज्य में फिर से आगे ले आएंगे, इस पर आज महाभाष होगी। लेकिन पहले बात छत्तीसगढ़ की, क्योंकि यहां शहर की सरकार से भी जानी है, लिहाजा जनता मांगे जवाब में आज का पहला मुद्दा किसके नाम होगा निकाय। तो विधानसभा चुनाव की तरह स्थानीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस और बीजेपी ने जनता से तमाम बातें की है। दोनों पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में कई बार ऐसे लोक प्रभावन बिंदुओं को शामिल किया है जिससे मतदाताओं का झुकाव उनकी ओर हो और निकाय का रण वह जीत जाए। इसके अलावा जीत की हुंकार भरने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने प्रचार के अंतिम दौर तक अपनी पूरी ताकत झोंकी है। खैर, अब सबकी जीत और हार जनता पर निर्भर है। जिस दल को मतदाताओं के ज्यादा वोट मिलेंगे निकाय में बाजी ही मारेगा, लेकिन फिलहाल निकाय के रण में कौन किस पर भारी है, इस पर चर्चा शुरू करें। आइए इसके पहले दिखाते हैं अपनी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है और अब इंतजार 21 दिसंबर का है, जब मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर शहर की सरकार चुनेंगे। चुनाव में बाजी कौन मारेगा, निश्चित रूप से इसका पता 24 दिसंबर को आने वाले नतीजों से ही चलेगा। लेकिन उसके पहले राज्य की सत्ता पर काबिज कांग्रेस के साथ बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार के अंतिम दिन तक दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने जमकर प्रचार किया। वहीं अप्रत्याशी डोर टू डोर वोट अपने लिए मांग रहे हैं। वैसे नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस का घोषणा पत्र भी अहम भूमिका निभाएगा। दरअसल बीते साल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उसके संकल्प पत्र ने जीत दिलाई थी, वहीं अब कांग्रेस सरकार एक साल की हो गई है और निकाय चुनाव हो रहे हैं, तो ये भूपेश सरकार के लिए अग्नि परीक्षा माने जा रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी के लिए निकाय के रण में जीत इसलिए जरूरी है क्योंकि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी 2 उपचुनाव भी हार चुकी है। ऐसे में अब निकाय के रण में अगर कांग्रेस फिर उस पर भारी पड़ती है तो फिर बीजेपी का प्रदेश में जल्दी उभरना मुश्किल होगा। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपने निकाय वाले संकल्प पत्र में हर वो वादे किए हैं जिससे जनता प्रभावित हो। हालांकि फिलहाल दोनों ही प्रमुख पार्टियां निकाय में अपनी जीत का दावा कर रही हैं। सरकार ने जो काम किया है निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशियों को इसका लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय निकाय के लिए डेवलपमेंट के लिए कौन सी फ्लेक्सिबल स्कीम थी जो हमें 15 साल में करके दिखाया और वो आज हमारे लिए चुनाव का आधार बनेगा। नेताजी भले ही जीत के लाख दावे कर लें, लेकिन अब सब कुछ जनता के ऊपर निर्भर है। इनका झुकाव जिस दल की ओर होगा जीत उसी की होगी।
स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से वैभव शिव पांडे की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में निकाय किसके नाम होगा, चलिए इस पर चर्चा करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ रायपुर स्टूडियो जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता संजीव शुक्ला जी, बीजेपी प्रवक्ता उमेश खोर पौड़े जी, वरिष्ठ पत्रकार बाबुलू शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अग्निहोत्री जी, आपका बहुत स्वागत है। अग्निहोत्री जी, पहले बहुत छोटा सवाल, एक साल भूपेश सरकार का क्या ये कह सकते हैं कि अग्नि परीक्षा है या इसके मुद्दे अलग होंगे राज्य? अग्नि परीक्षा तो है ही, क्योंकि लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त कांग्रेस को मिली थी जी। और चुनाव घोषणा पत्र की जहां तक बात है तो देखिए, डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि हमारे 15 साल में जो हमने काम किए, तो ये जो चुनाव का जो घोषणा पत्र है नगरीय निकाय का, उसका रिजल्ट जो है उनको उसमें देखने मिलेगा जो 15 साल में उन्होंने काम किया जी। और भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि जो एक साल में उन्होंने काम करके दिखाया है जी, उस पर नगरीय निकाय के रिजल्ट जो है वो निर्भर करेंगे जी। तो दोनों ही अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र को लेकर के बहुत संजीदा है जी। और इस कारण उनको बड़ी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, उधर कांग्रेस को उम्मीद है कि कांग्रेस ही जीतेगी जी। लेकिन चुनाव घोषणा पत्र में तैयारियां तो बहुत बड़ी बड़ी कर ली जाती हैं, वादे बहुत बड़े बड़े कर लिए जाते हैं, और जब उसको धरती पे क्रियान्वयन का मौका आता है, उस समय बजट का, आर्थिक विपन्नता का, बहुत सारी बातें जो है वो उठाई जाती हैं जी। और फिर वो सब पीछे धकल जाते हैं। जिस तरह धान को लेकर के 2500 रुपए क्विंटल देने का वादा छत्तीसगढ़ सरकार ने किया था, लेकिन अब ठीक है केंद्र सरकार पर फोड़ा जा रहा है कि वो चावल नहीं खरीद रहे हैं जी। तो ये सब बातें हैं जिसको देखना होगा कि नगरीय निकाय के चुनाव में, स्थानीय सरकार के चुनाव में जनता किस करवट लेती है और क्या किसको ज्यादा वोट देती है। संजीव शुक्ला जी, आपसे ही सवाल है, क्या ये हम मान लें निकाय चुनाव में जीत हार जो भी होगी वो एक साल की जो भूपेश बघेल सरकार का परफॉर्मेंस है उस पे होगी? सर, आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी व्यूअर्स को, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जी, जी तो तकनीकी कारणों से एक बार फिर अग्निहोत्री जी, हम आपसे वही सवाल, बहुत सारे वादे भूपेश बघेल जी कर नहीं पाए हैं जो पूरे करने थे। सबसे बड़ी बात तो जो धान का आपने मुद्दा उठाया, वो धान का मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा है अपने आप में। वो ये कह रहे हैं कि हम 2500 रुपए दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि 1810-1835 पे ही दे रहे हैं। उनका कहना है कि हम अगले बजट में प्रावधान करेंगे, उसको अतिरिक्त किसानों के खाते में डालेंगे, मगर अभी फिलहाल जो किसान को मिल रहा है वो तो उसी पे मतदान करेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, वादा जो आपने किया है वो तो निभाना पड़ेगा जी। किसान को इससे मतलब नहीं है कि आपका आर्थिक स्रोत जो है वो कम है जी, और आपको मुश्किलात है, इसलिए आप 2500 रुपए क्विंटल नहीं दे पा रहे हैं, आप 1825 ही दे रहे हैं या 1820 ही दे रहे हैं, तो इससे किसान को कोई लेना देना नहीं है जी। और जो शहरी इलाकों को टच करता हुआ जो किसान है वो इसका मतदाता होगा सरकार, स्थानीय सरकार के चुनाव में, शहर सरकार के चुनाव में, तो वो भी अपना मानस इस स्थिति को देख करके बनाएगा कि सरकार ने जो वादा किया था, पार्टी ने जो वादा किया था सरकार में आने के बाद, वो पूरा होता है या नहीं, तो वो देखने वाली बात होगी कि किस तरह का होगा। जी, हमी से पूरी हो गई है। संजीव जी, मान ले हम कि ये परफॉर्मेंस जो भूपेश बघेल जी सरकार का है एक साल का, उस पे इसके रिजल्ट आएंगे, 10 नगर निगम, 38 नगर पालिका, इन सब में रिजल्ट यही आएंगे भूपेश बघेल जी के परफॉर्मेंस पे? सर बिल्कुल, मैं वही बात को कह रहा था कि यहाँ पर जब बीजेपी की सरकार थी 15 साल से, जब यहाँ पर रमन सिंह जी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, उसके बावजूद ज्यादा ज्यादा निकायों में कांग्रेस के लोग पार्षद और महापौर चुन के आते थे जी। क्योंकि रोजमर्रा के जो बेसिक इश्यूज होते हैं जनता के, उससे कांग्रेस जुड़ी हुई थी, इससे प्रमाणित होता है। शासन रहते हुए भी बीजेपी उसमें नाकाम रही, इसलिए कांग्रेस के लोग उस समय भी जीत के आते थे। अब बात इस एक साल के कार्यकाल की भूपेश बघेल जी की, तो बेशक हमारे घोषणा पत्र में जो हमने जो जारी किया है उसमें 25 बिंदु ऐसे हैं
जिसमें हमने कांग्रेस की जो एक साल की कार्यकाल है उसमें हमने जनता के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए जो किया है उसको भी दर्शाया है, और 47 बिंदु ऐसे हैं जो कि हमारी भविष्य की योजनाएं हम लागू करेंगे जनता के लिए। तो आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं कि छत्तीसगढ़ का रिजल्ट केवल और केवल जो एक साल में काम हुए हैं उस पर ही निर्भर रहेगा। और दूसरी बात, जब आप दोनों मैनिफेस्टो को देखेंगे तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में आपको 40 पन्ना दिखेगा, 40 पन्नों में सर मैं आपको बताऊं हर घोषणा में एक कॉमन लाइन है। 232 घोषणाएं इन्होंने 40 पन्नों में की हैं, हर एक घोषणा में कॉमन लाइन है आखिरी में कि ये की जाएगी, ये किया जाएगा। लेकिन सर मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि यदि 15 साल आपने काम किया होता तो आपके इस घोषणा पत्र में आज भी किया जाएगा किया जाएगा किया जाएगा नहीं होता, आपके घोषणा पत्र में यह होता 232 बिंदुओं में कि ये काम हमने किया है। आप अपने किए हुए नामों कामों से वोट तक नहीं मांग पा रहे हैं, ये बीजेपी के लिए दुर्भाग्य। संजीव जी, संजीव जी, 15 साल रात के बाद भी आप कह रहे हैं कि किया जाएगा किया जाएगा किया जाएगा। संजीव जी थोड़ा सा रोकेंगे हम उनका, किया जाएगा जाने दीजिए एक तरफ, आपने जो किया है फिर से लगता है तकनीकी कारणों से हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी अंकित जी आपसे नहीं, मैं किया जाएगा और कर दिया है दोनों में अंतर। अरे कर दिया है तो भी, किया जाएगा तो भी, दोनों में जनता जब वोट देगी उस वोट पे तो ये बड़े दावे से कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी, अगर कहीं उल्टा रिजल्ट आ गया जैसा कि पहले रमन सरकार में आता रहा है तो फिर क्या होगा। ये तकनीकी रूप से जो है कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ा सा अपने आप को ये सुधारे जी, क्योंकि चुनाव घोषणा पत्र है जी। चुनाव घोषणा पत्र में हमने क्या किया है वह नहीं गिराने की आवश्यकता नहीं होती जी। चुनाव घोषणा पत्र में यह बताने की आवश्यकता होती है कि मतदाताओं के लिए यदि वो सरकार में आ गए तो क्या करेंगे जी, तो किया जाएगा ही लिखा जाएगा जी। तकनीकी रूप से जी, क्योंकि चुनाव घोषणा पत्र होता ही यह बताने के लिए, विजन बताने के लिए क्या करेंगे कि हम यदि सरकार में आ गए तो हम क्या करेंगे जी। तो सहज सरकार में यदि वो आ जाते हैं जी, तो वो क्या करेंगे यही बताना तो उनका उद्देश्य है जी, जी। तो यही है, मैं दूसरी बात ये कहने जा रहा था कि जिस समय छत्तीसगढ़ का गठन होने को था और उस समय छत्तीसगढ़ से जुड़े एक बहुत वरिष्ठ मंत्री का कहना ये था कि देवभोग हीरा खदान उस समय बड़े जोरों शोरों में काफी खबरों में थी और बड़े कीमती कीमती हीरे वहां से निकल रहे थे, तो धान के ऊपर से मैं ये बात कह रहा हूँ जी। तब उनका ये कहना था कि एक हीरा जो है विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर लगाएंगे यदि छत्तीसगढ़ अलग होगा। एक मिनट संजीव जी, क्योंकि तकनीकी कारणों से हम बार बार आपसे संपर्क नहीं कर पाए हैं, अब आपसे मेरा संपर्क हुआ है। आपने कहा जो अभय अग्निहोत्री जी ने भी कहा, मैं भी वही आपको कहने वाला था कि घोषणा पत्र अगर हम जीतते हैं तो हम क्या करेंगे इसके लिए होता है, न कि ये होता है कि मैंने ये कर दिया है। एक बात रहा सवाल, दूसरा कि आपने ये मान लिया है ना कि हमने ये किया है, मैंने भूपेश सरकार के परफॉर्मेंस पे आप जहाज, अगर कहीं मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, अगर कहीं उल्टा हो गया जब रमन सरकार थी और आप जीतते रहे हैं तो फिर ये भी मान लेंगे ना आप कि भूपेश सरकार जी का एक साल का कार्यकाल सही नहीं रहा। सर कल्पनाओं पर चुनाव नहीं होते जी, पार्षद चुनाव वही इंसान जीतता है। वो लोग नादान होते हैं जो ये सोचते हैं कि पार्षद चुनाव या कोई भी चुनाव में जनता 5 साल में एक बार मतदान करती है। मेरी नजर में जनता रोज मतदान करती है, हर पल मतदान करती है, और यही कारण था कि बीजेपी की गवर्नमेंट होते हुए भी कांग्रेस के लोग नगरीय निकाय में चुन के आते थे। तो अब तो हमारे, पहले तो हमारे पास में गिनाने के लिए केवल बीजेपी की नाकामियां थी, पहले तो हमारे पास बताने के लिए हमारे पास भविष्य की योजनाएं थी, लेकिन अब हमारे पास में एक सरप्लस, एक नजीर के तौर पर हमारे पास में एक साल के द्वारा किए गए कामकाज भी हैं। और सर बताता वही है, हमने तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में 25 बिंदु में लिखे हैं कि हमने इस साल में क्या किया है। क्या 40 पन्नों में एक पन्ना भी ऐसा नहीं हो सकता था जिसमें ये बता सकते थे कि इन्होंने क्या किया है? मेरा प्रश्न कहीं कोई गलत नहीं है सर, और मैं आपसे बता रहा हूं कि जो हमने जो किया है
उस पर ही वोट पड़ेगा। जनता लुभावने प्रस्ताव पर वोट नहीं करती कि आप क्या करेंगे। जनता ये देखती है कि इस पर्सन ने, इस पार्टी ने, सरकार ने हमारे लिए क्या किया है, और 15 साल इनको जनता ने मौका दिया, कुछ नहीं कर पाए। क्या करेंगे भी करता है इस बातों की, कुछ नहीं कर पाए। संजीव जी, क्या किया है और क्या करेंगे, इसका परिणाम तो 24 तारीख को आएगा। लेकिन थोड़ा बहुत जो घोषणा पत्र आपका ही सब सामने आए जी, विधानसभा का भी मैंने पढ़ा, थोड़ा लोकसभा का भी पढ़ लिया था, मध्य प्रदेश का भी पढ़ लिया था, उसमें तो यही हमने जो उल्लेखित था यही पढ़ा है कि हम अगर सरकार में आते हैं, हम नगर सरकार में आते हैं तो हमारी ये योजनाएं हम ये करेंगे। वहां सर बीजेपी प्रवक्ता जी भी हैं, उमेश जी, संजीव जी का बड़ा दम है कि हमने जो किया है उस पर वोट लेंगे और आप जो करेंगे उस पर वोट लेंगे। तो ऐसे में जो कर दिया है उसके लिए तो जनता सामने है कि हाँ इनने मेरे लिए कर दिया, आप करें नहीं करें ये बात अलग है, हालांकि घोषणा पत्र में करेंगे ही जाता है। जी उमेश जी, देखिए निश्चित रूप से तकनीकी तौर पे मेरे भाई संजीव जी बहुत अच्छे प्रवक्ता है कांग्रेस के, इनको भी और कांग्रेस पार्टी को भी इस बात को समझने की आवश्यकता है कि घोषणा पत्र में और संकल्प पत्र में आने वाले भविष्य की योजना है कि हम जनता के लिए आने वाले समय के अंदर में यदि हमें जनता अवसर देती तो हम क्या करेंगे, उनके बीच में किस प्रकार से अपनी योजनाओं को लेके जाएं, इसके लिए होता है। लेकिन मुझको लगता है कि इसका बेसिक अंतर इन्हें शायद मालूम नहीं है, इसलिए विधानसभा चुनाव के अंदर में इन्होंने हाथ में गंगा जल लेकर के कसमें खाई थी और उसके बाद किस प्रकार से वादा खिलाफी इन्होंने इस प्रदेश की जनता के साथ करने का काम किया है वह इस प्रदेश की जनता ने बखूबी देखा है। और आज इस प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ और छला हुआ महसूस कर रही है और शायद इसीलिए लोकसभा चुनाव के अंदर में कांग्रेस पार्टी को इस प्रदेश की जनता ने सबक सिखाने का भी काम किया है। स्थानीय मुद्दा और भी स्थानीय होता है, विधानसभा चुनाव जो होता है उसमें 50% स्थानीय मतलब प्रदेश का होता है, 50 राष्ट्रीय पार्टी का होता है। जो पार्षद और नगर सरकार नगर निकाय के जो चुनाव है पूरी तरह से स्थानीय होते हैं, इसलिए इसको लोकसभा से जोड़ना उचित नहीं होगा। जी जी निश्चित रूप से मैं अब नगरी निकाय में भी आ जाता हूँ, इनके वादा खिलाफी पे भी आ जाता हूँ, गंगा जल पे भी आ जाता हूँ। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा इन्होंने किस प्रकार से गंगा जल की झूठी कसमें खा करके नगरी निकाय के लिए एक महत्वपूर्ण वादा किया था कि इनकी सरकार आते ही यह संपत्ति कर आधा करेंगे। दो दो सत्र निकल गए हैं, संपत्ति कर के विषय में ना तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कुछ कहने के लिए तैयार है, ना नगरी प्रशासन मंत्री इस विषय में कुछ बोलते हैं, और ना ही इनका जो झूठा झूठ का पुलिंदा घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया है उसमें इस संपत्ति कर को हाथ को लेकर के किसी प्रकार का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इन्होंने गंगा जल की झूठी कसमें खा करके वादा किया था और आज तो इन्होंने गंगा जल की कसम भी नहीं खाई है। तो कुल मिलाकर के जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी के ऊपर से और इस भूपेश बघेल की सरकार के ऊपर से उठ गया है। अब ये जनता के बीच में मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए हैं, जनता के बीच में ये जाने के लायक नहीं रह गए हैं। तो निश्चित तौर पे नगरी निकाय चुनाव के अंदर में बीते 15 वर्षों के कार्यों के आधार पे डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में जो विकास के कार्य इस प्रदेश के अंदर में है उसके आधार पे और बीते 1 वर्षों के अंदर में इस भूपेश बघेल की सरकार ने जो वादा खिलाफी की है उसके आधार पे हम जनता के बीच में जा रहे हैं। निश्चित तौर पे जनता का सकारात्मक प्रतिसाद मिलेगा और तमाम नगर निगम के अंदर से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि चुन करके आएंगे। बिल्कुल चुन कर आएंगे, आपके हमारे आपको भी शुभकामनाएं। संजीव जी मैं आपके पास आता हूँ, थोड़ा बाबूलाल जी से इस मुद्दे पे जान लेते हैं। बाबूलाल जी, निश्चित तौर पे हमने जो सवाल किया था संजीव जी से, उनका अपना उत्तर देना एक फर्ज है, सरकार में है वो, लेकिन एक साल का क्या फर्क पड़ेगा या स्थानीय मुद्दों पर ही केवल ये चुनाव आधारित है? स्थानीय मुद्दे कवर्धा में जो नल समस्या, जल समस्या या कहीं भी अन्यथा उस मुद्दे पे ही आधारित रहेगा। वहां के पार्षद, पहली बार ये हो रहा है, अलग 15 साल बाद ये हो रहा है कि पार्षद इस बार महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष चुनेंगे, तो इसका कितना फर्क पड़ेगा? देखिए त्रिपाठी जी, आप लंबे समय से डिबेट कराते आ रहे हैं, राजनीति के विषय में जब भी आप डिबेट कराते होंगे जी, तो आपको यही दृश्य दिखता होगा कि अपने अपने पक्ष की बातें जो है अपने ढंग से रखी जाती हैं। जी जी, मैं तो बहुत डिबेट में बैठा हूँ, आजू बाजू से जो बात आती है लगभग एक जैसी बात आती है, कुछ एक दो नई बातें जरूर आती है हर प्रवक्ता की तरफ से जी। और सत्ता पक्ष अपने जीत के वादे
विपक्ष अपनी जीत के वादे करती है, ये तो सामान्य घटना सामान्य बात है जी। लेकिन जो 15 साल की बात रमन सिंह कर रहे हैं मैं उस पर थोड़ा सा कहूँ अगर, तो ये मुझे जो अभी इन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि अगर 15 साल काम किए होते तो ये किया जाएगा शब्द नहीं आता, ये इनका असल मुद्दा ये था कि अगर कर दिए होते तो ये संकल्प पत्र में किया जाएगा शब्द नहीं आता, वो तो हो चुका होता काम जो उनको करना था जी। एक चीज जी। दूसरी चीज ये जो भूपेश बघेल के 1 साल और 15 साल के रमन के कार्यकाल, इस पर जो तुलना हो रही है वो तुलना बड़ी विचित्र तुलना है। वो सिर्फ इस चीज की तुलना है कि विश्वास जनता का किसके ऊपर है, 1 साल के काम के ऊपर है या 15 साल के काम के ऊपर है जी। तो देखिए त्रिपाठी जी, आपने देखा है कि 15 साल के काम का रिजल्ट क्या आया है विधानसभा में, और जो है इनके 1 साल के अंदर जो चर्चाएं होती हैं, जो एक राजनेता के लिए चर्चाएं होती हैं, वो भूपेश बघेल के लिए कितनी तेजी से बढ़ी है, ये आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। मैं भूपेश बघेल का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो वास्तविक स्थिति बनी है उसकी जो इमेज प्रोजेक्ट हो रही है और जो उनके कामों का जो चरण है वो छत्तीसगढ़िया लोगों से जुड़ा हुआ चरण है, किसानों की गांवों की। अब शहरी बात आई है तो ये पंचायतों के चुनाव में और नगर पालिका के चुनाव में भूपेश बघेल को अपने 1 साल के कार्यकाल का फायदा मिलेगा, लेकिन शहरी क्षेत्र में इतना बढ़िया वर्किंग जो है वो अभी भूपेश बघेल की नहीं दिखी है। इसलिए शहरी क्षेत्र जो बड़े क्षेत्र है, नगरीय निकाय के जो महापौर वाले क्षेत्र है, उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा कि 1 साल में शहर के लिए जो है कोई योजना बहुत बड़ी भूपेश बघेल नहीं ला पाए हैं। कुछ योजनाएं हैं, मैं नहीं कहता कि पूरी तरह नहीं ला पाए, लेकिन कोई ऐसी योजना जिसको उल्लेखित कर सके वो नहीं आ पाई है। रमन सरकार का जो कार्यकाल था उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम हुआ है त्रिपाठी जी, कि जब हम पहले कभी रायपुर आए हों पुराने समय में और अब हम अचानक 15 साल 20 साल के बाद जब आए तो वो साफ दिखाई देता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना उन्होंने काम किया है। इसको कोई सपोर्ट नहीं है उनका, लेकिन काम हुआ है। एक मिनट शर्मा जी, थोड़ा बहुत गलत काम हुआ शर्मा जी, एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत हुआ है। शर्मा जी, शहरी क्षेत्रों में रमन सिंह जी ने अच्छा काम किया है तो फिर जो नगर सरकार के जो चुनाव के रिजल्ट आते थे उसमें उनको वो फायदा क्यों नहीं मिलता था जो अपेक्षित रहता था? शर्मा जी आपसे ही सवाल है। विश्वास जी, हाँ वो विश्वास का प्रश्न है, विश्वास का प्रश्न है जी। लोगों को 10 साल निकलने के बाद जो है जी, लोगों को लगने लगा कि ये बात कुछ और कर रहे हैं और होता कुछ और है जी। उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ा और डॉक्टर रमन सिंह का प्रभाव तीसरे कार्यकाल में जो है बहुत कमजोर पड़ा और अधिकारियों ने, निचले स्तर के जो अधिकारी है उन्होंने उनको धोखा देना शुरू किया और इम्प्लीमेंटेशन जो योजनाओं का था वो बहुत कमजोर पड़ा निचले स्तर पर, इसलिए जो है इसका प्रभाव उल्टा पड़ा। अब लोकसभा की बात लोग करते हैं कि भाई विधानसभा लोकसभा हम जीते हैं उसका प्रभाव पड़ेगा, तो लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, वो राष्ट्रीय होते हैं। अभी भी आप देखिए कि डॉक्टर रमन सिंह हो या भूपेश बघेल हो, वो जो डॉक्टर रमन सिंह के मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों की बात, राम मंदिर का दर्शन कराएंगे या राम मंदिर के ऊपर बात या महिला सुरक्षा के ऊपर, सब राष्ट्रीय मुद्दों पे बात है और इनके में भी कुछ राष्ट्रीय है, लेकिन मैक्सिमम जो है अपने जो किए हुए काम है उसकी मिसाल दी गई है कि हमने अपने वायदे को इस तरह से पूरा किया, कर्जा माफ किया, बिजली हाफ किया और आदिवासियों की जमीन वापस की, वनोपज की खरीदी की, जनता का बोनस दिया, फोकस कर रहे हैं। बाबूलाल जी, एक बात जो है दिमाग में कम है, आपने बहुत सही व्याख्या की है, परिभाषित कर दिया पूरी स्थिति दोनों के घोषणा पत्र को, लेकिन समय कम है इसलिए एक बार फिर हम संजीव जी के पास चलते हैं। संजीव जी, बाबूलाल शर्मा जी ने जो टिप्पणी की है, जो दोनों के कार्यकाल का को सही ढंग से परिभाषित किया है, उसको आप कितना महत्व देते हैं? नंबर एक। दूसरा, आपने ये चीज कही है, हमने सवाल किया, आपने कहा कल्पना पे हम नहीं जाते हैं, लेकिन इस कल्पना को 24 तारीख को अगर मैं बोल रहा हूँ कहीं परिणाम आपके अपेक्षा अनुरूप नहीं आते हैं तो आप अपने मुख्यमंत्री को दांव पे लगा रहे हैं। ये सर मेरे हाथ में ये भाजपा के झूठ का पुलिंदा है जी। ये 40 पन्नों का है
भाजपा छोड़िए, कांग्रेस की बात करिए आप, भाजपा में उनसे उम्मीद से पूछ लूंगा। मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ जी, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ जी, कि ये तू नहीं तेरा इश्तहार बोलता है, तुझे मर्ज है कि तू बार बार बोलता है, सच बोलना तो जैसे तुझे आता ही नहीं, पर तू झूठ बहुत शानदार बोलता है। ये झूठ इतना शानदार तरीके से बोलते हैं, लेकिन इनके झूठ को लोगों ने विधानसभा में पकड़ लिया, जनता ने इनके झूठ को, झूठ को जाने दीजिए, आप अपनी बात करिए, मैंने सवाल ये किया है, निकाय में भी पकड़ लिया जनता ने, संजीव जी मैंने सवाल ये किया है। अब मैं आपके सवाल पे आ जाऊं कि अगर हमारे आपके आधार, मैं आपके सवाल जी सवाल ये किया है कि अगर अपेक्षा अनुरूप आपको परिणाम नहीं मिलते हैं, हमारे अपेक्षा के अनुरूप अगर रिजल्ट नहीं आया तो हाँ, आपने अपने मुख्यमंत्री को दांव लगाया, ट्रंप का है 5 साल अरे सर दांव पे कोई नहीं लगाया, चेहरा है मुख्यमंत्री जी, उनका काम है। और सर आपको एक बात बता दूं, जो छात्र स्कूल और कॉलेज में दिन रात पढ़ाई करता है, उसको अपने कामों पर विश्वास होता है, उसने जितनी पढ़ाई की उसे पता रहता है कि मैं फर्स्ट रैंक आऊंगा या फर्स्ट डिवीजन आऊंगा। जब वो परीक्षा देकर के आता है तो बाहर निकल के लोगों से क्रॉस चेक नहीं करता कि मेरा क्या, तुम क्या लिखे, तुम क्या लिखे, उसे ये पता होता है कि मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है। इसी प्रकार से कांग्रेस सरकार ने जो 1 साल काम किया है, उनको हमको पता है कि हमने जनता के लिए किया, चाहे वो अमृत योजना हो, चाहे मोर जमीन मोर मकान योजना हो, चाहे वो कितनी भी छोटे प्लाटों की खरीदी बिक्री पर रोक हटाई हो, चाहे वो जितने भी नाले नदियां हैं और जितने भी तरह से काम करने की बात कही थी, क्या हुआ हो सर, ऐसे कई सारी चीजें हैं। संजीव जी भारत बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन सरकार ने लोगों को बिजली बिल हाफ किया, और 1 साल में जो ये डिबेट है तो हमको विश्वास है, बिंदु पे बात करिए, आप मुद्दे पे बात करिए, ये कोई चुनावी सभा में आप नहीं खड़े हैं, आप इस समय एक चैनल में डिबेट में हैं, आप उसमें तर्क पे बात करिए। मैंने आपसे सवाल किया कि नगर प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की जो बात कही थी, कम करने की बात कही थी, इसका क्या हुआ, इसके बाद जवाब दे दिए, उमेश जी है फिर बाकी पूछने को। प्रॉपर्टी अब सुनाई नहीं आएगा सर, इनको लगाया ना, अब सुनाई नहीं आएगा। संपत्ति कर कम करने की बात कही थी आपने, उसका क्या हुआ, प्रॉपर्टी टैक्स हाफ करने की बात की थी आपने संजीव जी। सर लगातार जितनी घोषणाएं कांग्रेस सरकार ने की, अरे संपत्ति कर पे बात करो ना, लगातार जितनी घोषणा सरकार ने की लगातार उस पर काम किया जा रहा है। 20 में कभी बस्तर का चुनाव आता है, कभी चित्रकोट का चुनाव आता है, अरे बस, अभी नगरी निकाय से चित्रकोट बस्तर पहुंच गए, संपत्ति कर में चुनाव कहां आने आ रहे हैं सभा में, इसके पहले सर मुझे मौका मिलेगा कि नहीं, मुझे मौका मिलेगा कि नहीं, संकल्प को पूरा नहीं कर पाए। सूपा बोले तो बोले, चलनी भी बोले छेद है, सूपा तो बोले बोले चलनी भी बोली छेद है। जो लोग 15 साल सरकार में रहे वो अपना एक भी संकल्प पूरा नहीं कर पाए। चलिए संजीव जी ये चुनावी सभा में भाषण बहुत अच्छा होता है आपका, मोर मकान मोर मिटा, चले एक मिनट संजीव जी एक मिनट, उमेश जी आप अपनी बात करिए, उमेश जी, अरे संजीव जी, अरे भाई हो गया सर, ये क्या है, अरे कामों से ये लोग जल रहे हैं, अरे भाई ये तरीका नहीं है प्रवक्ता का, काम किए होते प्रवक्ता का ये तरीका नहीं है कि आप कुछ भी बोलते जाएं, आप कुछ भी बोलते जाएं, ये प्रवक्ता का तरीका नहीं है संजीव जी। हमने जिस बिंदु पे बात की वो बात करिए, आप तो धारा प्रवाह इस तरह बोलेंगे तो मैं हम उनसे बात कर पाएंगे, बाबूलाल जी से बात कर पाएंगे, दर्शक कितने सुन रहे होंगे, आपका परफॉर्मेंस भी प्रभावित होगा इससे। हम जिन बिंदुओं पे बात कर रहे हैं वो मैंने पूछा था, आप पता नहीं कहां चले गए। उमेश जी निश्चित तौर पर प्रॉपर्टी टैक्स अगर इन्होंने आधा करने की बात कही थी, लगातार क्रमशः हम लोग काम करते जा रहे हैं, हाँ तो काम में जो हम वो भी करेंगे, अरे जो हम पूछे वही आप बताएंगे ना, उस बिंदु पे ही बताएंगे, सवाल नहीं है। देखिए संपत्ति, अरे सुनिए जी, आप मैं आपसे समय नहीं बोला था, अरे ये दो घंटे की, अरे मुझसे सवाल है सर, क्रमशः हम लोग काम करते जा रहे हैं, ठीक है ठीक है, अरे संजीव जी सुन लीजिए, ठीक है भाई, एक के बाद एक करते जा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, उन्हें जिनसे पूछना बंद कर दो, बाबूलाल से बात करना बंद कर दो, हम उमेश जी से या बाबूलाल जी से बात नहीं करें, आप पर धारा प्रवाह जो बोलना बोलिए।
देखिए जिस प्रकार से संजीव जी ने यहाँ पर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर दांव में लगाया डिबेट के ऊपर में और खुद ही हार मान गए। शायद भूपेश बघेल जी भी पहले हार मान चुके हैं, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से चुनाव ना कराते हुए अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव की ओर आ गए हैं। रही बात संपत्ति कर का विषय आपने लेके आया, इन्होंने किस प्रकार से गंगा जल की झूठी कस्में खा करके, खाली एक संपत्ति कर का विषय नहीं है, इन्होंने सीधे तौर पर नगरीय निकाय की जनता को धोखा देने का काम किया है। संपत्ति कर आधा करने की बात की, दो दो सत्र निकल गए, इन्होंने संपत्ति कर हाथ के विषय में कोई निर्णय नहीं लिया। और हमने अपने संकल्प पत्र में 2020-21 के अंदर में जो कांग्रेस ने वादा किया है उसकी भरपाई करने का संकल्प लिया है, और आपके माध्यम से जनता को मैं आश्वस्त करूंगा कि जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में लिया है उसे अक्षरशः जनता के बीच में जाकर के हम पूरा करेंगे। और इस भूपेश बघेल की सरकार ने लगातार वादा खिलाफी की है, चाहे बेरोजगारी भत्ता का विषय हो, चाहे महिलाओं का विषय हो, चाहे युवाओं का विषय हो, ऐसे तमाम वादा खिलाफी जो कांग्रेस ने की है निश्चित तौर पे उसका खामियाजा इस नगर निगम चुनाव के अंदर में इन्हें भुगतना पड़ेगा। हमारा समाप्त हो गया संजीव जी। उमेश जी निश्चित तौर पे 24 तारीख को सारे दावे वादे सब सामने आ जाएंगे। समझ रहा हूँ संजीव जी, समझ रहा हूँ, ठंड रखिए। सारे दावे वादे, अरे आराम से भाई, आराम से, इतने जल्दी मत बौखलाइए। 24 को आएगा रिजल्ट, पहले मत घबराइए। अरे 24 तारीख को रिजल्ट आएगा, घबराइए मत। अरे पहले से मत घबराइए, मालूम है आप डरे हुए हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करा रहे हैं, आपका भय दिख रहा है यहाँ पर। चलिए चलिए उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव जी आपका, बाबूलाल जी आप ज्यादा, आपसे आज हम जो विश्लेषण है वो ले नहीं पाए। हमारे संजीव जी लगातार धारा प्रवाह पूरा लगता है कि कांग्रेस ने क्या किया, क्या करेगा, क्या कर डालेगा, सब एकदम उन्होंने बड़े उत्तेजना के साथ जिस तरह उन्होंने बोला तो उससे सारी सारी बहस ही इधर से उधर चली गई। जी बाबूलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप बहुत संक्षेप में? नहीं, नंबर जी, नंबर बढ़ाने के लिए प्रवक्ताओं का ऐसा प्रयोग किया जाता है, बढ़ाने का तरीका है। ये अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, ये अपना नंबर नहीं, संजीव जी ने आज पूरा नंबर बढ़ाया है। अब देखिए नंबर कितना मिलता है, इन्होंने तो मुख्यमंत्री जी को दांव पे लगा दिया, अगर जीत गए तो 10 तो 0। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी आपका, उमेश जी आपका, बाबूलाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के कुल 10 नगर निगम, 38 नगर पालिका और 103 नगर पंचायतों के 2,840 वार्ड में चुनाव हो रहे हैं। वार्ड में चुनाव जीतकर आने वाले पार्षद में कोई महापौर तो कोई अध्यक्ष बनेगा, लिहाजा इस बार वार्ड का प्रत्याशी ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस और भाजपा ने अपने प्रत्याशियों को जिताने में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता हो या मंत्रिमंडल का सदस्य या फिर मुख्यमंत्री भूपेश, हर किसी ने मैदान में उतरकर प्रचार किया है। तो वहीं भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी प्रचार की कमान संभाली और ताबड़तोड़ प्रचार किया। खैर अब दोनों दलों के घोषणा पत्र के साथ ही इनके धमाकेदार प्रचार के बाद जनता किसके सिर जीत का सेहरा बांधती है देखना दिलचस्प होगा। खैर छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख मध्यप्रदेश का करते हैं, जहां बेरोजगारी भत्ते को लेकर सरकार